नमस्कार, मैं रोशन राठौड़, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। खबर है जोधपुर से, जहां घर से बाहर घूमना पड़ गया भारी, की हुई कमाई से धोना पड़ा हाथ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जोधपुर, उस परिवार को नहीं पता था कि वे रोजाना की तरह बाहर घूमने जाता है, उस दिन से घूमना जाना भारी पड़ेगा और उसकी जिंदगी की गाड़ी कमाई चोर लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। घटना है जोधपुर के कमला नेहरू नगर की, जहां मोहम्मद रेहान अंसारी, जो हाईवेयर के व्यापारी हैं, रोजाना शाम को अपने परिवार के साथ अपने ससुराल जाते हैं। पिछले कई दिनों से आने जाने का ये सिलसिला बेदस्तूर जारी है, लेकिन अचानक कल शाम चोरों को इसका फायदा उठाया और दीवार फांद कर घर में घुसे। चोरों ने यहाँ से 14 लाख रुपये नगद और सोने के झुमके पार कर दिए। जब रेहान 10 बजे के करीब अपने घर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। चोरों ने घर का सारा सामान बिखेर रखा था और नकदी पार कर ली थी। रेहान ने आस पड़ोस में लोगों से जानकारी जुटाई, पास के मकान में लगे CCTV भी देखे, जिसमें चोर साफ दिखाई दे रहा था। रेहान ने पूरी घटना FIR प्रताप नगर थाने में दर्ज करवाई और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। लगभग 14 लाख रुपये और एक सोने की बाली चोरी हुई है। ये वारदात लगभग शाम को 8 बजे से 8:15 के बीच हुई है। 6:30 बजे मेरी बीवी और मेरी बच्ची अपने घर गए थे शहर, और अमूमन हम 11:15 बजे यहाँ पर वापस आ जाते हैं। उस दरमियान ये सारा काम हुआ है। आपने रिपोर्ट दर्ज करवा? मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे उम्मीद है मुझे मेरा चोरी हुआ माल वापस मिल जाएगा। तरीके बताना है। मेरा नाम रेहान, मोहम्मद रेहान अंसारी, और